फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगी अपने डाइजेस्ट का, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं उनको ठीक से फॉलो कीजिए, बिकॉज जो स्टेप्स हैं वो टोटली डिफरेंट है फर्स्ट पार्ट से। सो लेट्स बिगिन। हमको सिमिलर यार्न लेना है जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में लिया था। फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए सो चेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको यहां से हम अटैच कर देंगे। अब हमको फ्लावर का शेप देना है। चेन 1, 2, 3, डबल क्रोशा, चेन 3। नाउ 1, इसको भी क्लोज नहीं करेंगे। 2, ऐसे ये पेटल का शेप आ गया। चेन 3, डबल क्रोशा 1, 2 एन अ पेटल, चेन 3, डबल क्रोशा 1, 2 इन अ पेटल, चेन 3, 1, 2 इन अ पेटल, चेन 3, वन टू इन अ पेटल, चेन 3। इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से और ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड हमें चेन 3, डबल क्रोशा 1 इन अ पेटल, चेन 3, डबल क्रोशा 2 इन अ पेटल। तो यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं पेटल्स। नाउ चेन 3, अगेन डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल, चेन 3, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल। और इस तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमको चेन 1, 2, 3 बनाना है, डबल क्रोशा 1 इन अ पेटल। नाउ चेन 3, अब यहाँ पर हमको 2 पेटल्स बनानी है, डबल क्रोशा 1, डबल क्रोशा 2 कंबाइंड इन अ पेटल, चेन 3, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल, चेन 3। यहां पर इन दोनों पेटल्स के बीच में हमें एक पेटल बनानी है, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल, चेन 3। नाउ अब यहां पर हमें 2 पेटल्स बनानी है, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल, चेन 3, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड इन अ पेटल। और इस तरीके से हमको ये वाला राउंड कंप्लीट करना है।
कि हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड, चेन थ्री, डबल क्रोशे वन, कंबाइंड इन अ पेटल, चेन थ्री। अब ये जो दो पेटल्स हमने एक साथ बनाई थी, यहाँ पर हमको दो पेटल्स अगेन इस हुप में बनाना है। डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल, चेन थ्री, डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल, चेन थ्री। अब यहाँ पर जो हमने वन पेटल बनाई थी उसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर दोनों जगह एक एक पेटल हमको बनानी है। वन पेटल हेयर, डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल, चेन थ्री, डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल, नाउ चेन थ्री। यहाँ पर जहाँ दो पेटल्स हैं यहाँ पर हमको दो पेटल्स ही बनाने हैं इन द हुप। डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल, चेन थ्री, डबल क्रोशे वन, टू, कंबाइंड इन अ पेटल। और इस तरह से हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। नाउ चेन थ्री, डबल क्रोशा वन इंटू अ पेटल, चेन थ्री, वन, टू इंटू अ पेटल। और अब हमको ये जितने भी हूप्स हैं इनमें एक एक पेटल प्लस थ्री चेन बना करके ये राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारा सेंटर पार्ट अब कंप्लीट होता है हमारे सनफ्लावर का। अब हम इस यान को यहाँ से कट कर देंगे और इसको एक नॉट से टाइटली लॉक कर देंगे। नाउ अब हमको दूसरा यान इसमें लगाना है पेटल्स को शेप देने के लिए। तो एज बिफोर, एज इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो हमने इस यान को चूज किया था, तो अभी भी हम इसी यान को यूज करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चेन वन, नाउ सेवन डबल क्रोशा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, चेन वन, नाउ फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चेन वन, नाउ सेवन, फाइव, सेवन, फाइव। ये पूरा करते हुए हमें ये नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड, चेन थ्री, ये वाला जो डबल क्रोशा है इसमें हमें वन, टू डबल क्रोशा बनाने हैं। नाउ डबल क्रोशा फोर, अगेन वन, टू,
और अब ये एक डबल क्रोशिया और चेन वन। जहाँ पर हमने ये सेवन बनाए थे ध्यान से देखिएगा, डबल क्रोशिया वन वन टू कंबाइंड, डबल क्रोशिया वन वन टू कंबाइंड, डबल क्रोशिया वन चेन वन। अगेन जहां पे ये फाइव था डबल क्रोशिया वन, नाउ वन टू वन अगेन वन टू डबल क्रोशिया वन चेन वन। और इस तरीके से हमको ये नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन वन टू थ्री, डबल क्रोशिया वन, और इसी वाले में हमको एक और डबल क्रोशिया बनाना है टू। नाउ डबल क्रोशिया थ्री वन टू थ्री, अब डबल क्रोशिया वन, और इसी वाले में हमको एक और बनाना है टू। डबल क्रोशिया वन चेन वन, डबल क्रोशिया वन, अब डबल क्रोशिया वन टू थ्री कंबाइंड इन अ पेटल, डबल क्रोशिया वन चेन वन, डबल क्रोशिया वन, वन टू डबल क्रोशिया वन टू थ्री, नाउ डबल क्रोशिया वन टू डबल क्रोशिया वन चेन वन। और इसी तरीके से हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन वन टू थ्री, डबल क्रोशिया वन, और इसी वाले में हमको एक और डबल क्रोशिया बनाना है टू। नाउ डबल क्रोशिया थ्री वन टू थ्री, अब डबल क्रोशिया वन, और इसी वाले में हमको एक और बनाना है टू। डबल क्रोशिया वन चेन वन, डबल क्रोशिया वन, अब डबल क्रोशिया वन टू थ्री कंबाइंड इन अ पेटल, डबल क्रोशिया वन चेन वन, डबल क्रोशिया वन वन टू डबल क्रोशिया वन टू थ्री, नाउ डबल क्रोशिया वन टू डबल क्रोशिया वन चेन वन।
और इसी तरीके से हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड व्हाट वी हैव टू डू, चेन थ्री, नाउ डबल क्रोशा, वन टू। यहाँ पर ही हमको दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाना है। डबल क्रोशिया वन, वन अगेन, नाउ टू एट द सेम प्लेस, वन टू, डबल क्रोशिया वन टू, नाउ डबल क्रोशिया वन टू एट द सेम प्लेस और लास्ट में डबल क्रोशिया वन। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशा हो जाते हैं। नाउ चेन वन, वन टू थ्री कंबाइंड, इस तरह से ये छोटी सी एक पेटल बन जाती है। चेन वन, डबल क्रोशिया वन, नाउ टू एट द सेम प्लेस, वन टू, वन टू, नाउ टू एट द सेम प्लेस, वन टू, वन टू, नाउ टू एट द सेम प्लेस, वन टू। लास्टली डबल क्रोशिया वन, चेन वन, डबल क्रोशिया वन टू थ्री कंबाइंड, चेन वन। इस तरह से हमको आगे पैटर्न फॉलो करना है और पूरा एक राउंड करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड वील बिगिन विथ चेन थ्री। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन टू, फिर हमें फोर डबल क्रोशिया बनाने, वन टू थ्री फोर, चेन वन, वन टू थ्री फोर, इस वाले पर हमको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन टू, डबल क्रोशिया वन। नाउ चेन टू, डबल क्रोशिया वन, नाउ डबल क्रोशिया टू, नाउ डबल क्रोशिया फोर, वन टू थ्री फोर,
चेन वन, डबल क्रोशा वन, टू, थ्री, फोर, डबल क्रोशा वन, टू, डबल क्रोशा वन, चेन टू, और इसी तरीके से हमको आगे कंटिन्यू करना है और एक राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन थ्री, डबल क्रोशा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। पहले हमने यहाँ पे चेन वन लिया था, अब यहाँ पर चेन टू। नाउ इट्स वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड दिस वन इज सेवन। चेन थ्री, डबल क्रोशिया सेवन, चेन टू, डबल क्रोशिया सेवन अगेन, चेन थ्री, और फिर इस तरह से कंटिन्यू करके एक राउंड कंप्लीट करना है। नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन थ्री, डबल क्रोशा सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, चेन टू, डबल क्रोशा सेवन, चेन फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और इसी तरीके से हमको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। डबल क्रोशा सेवन, चेन टू, डबल क्रोशा सेवन, चेन फाइव, और ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड सेवन डबल क्रोशिया, चेन टू, सेवन डबल क्रोशिया, और यहाँ पर जो हमने ये फाइव चेन लिए थे, यहाँ पर हमें सेवन चेन लेने हैं। टू बिगिन विथ चेन थ्री, डबल क्रोशिया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, चेन टू,
नाउ डबल क्रोशिया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हमको यहाँ पर चेन 7 लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमको फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है, डबल क्रोशिया 7, चेन 2. अब हमको डबल क्रोशिया 7 और यहाँ पर चेन 7 बनाना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. नाउ चेन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यहाँ से फिर वही पैटर्न को कंटिन्यू करना है टिल द एंड ऑफ द राउंड. नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन 3, डबल क्रोशिया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर जो दो चेन है अब यहां पर हमको बनाना है डबल क्रोशिया 1, 2 और इसको हम कंबाइन कर देंगे और अब डबल क्रोशिया 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now chain 7. और इसी तरीके से हमको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है. फॉर द नेक्स्ट राउंड चेन 3, डबल क्रोशिया 1, 2 कंबाइंड. नाउ डबल क्रोशिया 3, 1, 2, 3. अब डबल क्रोशिया 1, 2, 3 कंबाइंड. नाउ डबल क्रोशिया 1, 2, 3 डबल क्रोशिया 1, 2 कंबाइंड डबल क्रोशिया 1. नाउ चेन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरीके से हमको कंटिन्यू करके ये नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट करना है. टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट राउंड चेन 3, डबल क्रोशिया 1, 2 कंबाइंड. नाउ डबल क्रोशिया 1,
डबल क्रोशा 1, 2, 3 कंबाइंड, डबल क्रोशा 1, डबल क्रोशा 1, 2 कंबाइंड एंड डबल क्रोशा 1। देखिए धीरे धीरे हमारी जो पेटल है वो फाइनल शेप ले रही है। नाउ चेन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। अगेन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट राउंड, सबसे पहले हमें चेन 3, अब हमको डबल क्रोशिया 1, 2 कंबाइंड, नाउ डबल क्रोशिया 1, अगेन 1, 2 कंबाइंड, डबल क्रोशिया 1। नाउ चेन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन 10 अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 We have to continue and complete this round. Now to continue with chain 3, double crochet 1, 2, 3, 4 combined, chain 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 to be attached here. Chain 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 double crochet 1, 2, 3, 5 to be combined. So friends, we have completed this part of the mat. ये हमारा second part टचेस सेट का था। अब ये हमारी mat complete हो चुकी है। Next video में हम किसी दूसरे product के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए goodbye.